बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ लाइन किंग एंड अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं माहिम और वहाँ पे थोड़ा सा हमारे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे है, तो वहाँ का सारा नज़ारा आपको दिखाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ पहले लाइक कर दो, उसके बाद फिर पूरी वीडियो चालू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्त हम आ गए माहिम दरगाह के पास। देखो ये माहिम दरगाह का गेट दिख रहा है, अभी इसके आगे हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे और उसके पीछे भी जाएंगे, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, चलते हैं अंदर। ये दरगाह के पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे फूल और चुन्नी चादर वादर सब चीज़ चढ़ाने के लिए आपको मिल जाएगी मज़ार के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ से आप खुद भी परचेज कर सकते हैं अंदर ले जाने के लिए। और ये एक ठीक जो है वो दरगाह का ये पीछे देख रहे होंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे और आगे आपको दिखाएंगे। और ये है दरगाह के पीछे का बिल्कुल नज़ारा जो आप हमारे पीछे ये देख रहे हैं, ये पूरा दरगाह के पीछे का नज़ारा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी, बहुत सकरी सकरी गलियाँ हैं, ठीक है? और ये अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के बाद जो है ज़्यादा भीड़ नहीं है, कम भीड़ है, तो आप आ सकते हैं, आराम से ज़्यारत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पुलिस वाले भी इतना परेशान नहीं कर रहे हैं, तो आप आना चाहें तो आ जाएँ, ठीक है? पीछे समंदर की साइड जाने के लिए गली गली से जाना पड़ता है और फिलहाल हम जो है वो गली गली से ही जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो आपको दिखाएंगे। एक्चुअली गली थोड़ा पतली है बट ठीक है, चलने जैसा है, पब्लिक ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये देख रहे होंगे गली हमारे पीछे इस तरह की गली है और गली के पीछे से हमको जाना पड़ रहा है समंदर की साइड, तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको बताएँगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हैं हम वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि कभी आए नहीं थे और पहली बार वहाँ हम जा रहे हैं। बहुत पहले 10-12 साल पहले हम एक बार आए थे तो हमें पता है कि काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन अब वो भूल गए थे। आज हम बहुत दिनों बाद यहाँ आए हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, ठीक है? तो फाइनली हम पहुँच गए हैं और सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। अब आप देखेंगे हमारे पीछे, देखो ये पब्लिक जो है इतनी ज़्यादा है, ठीक। अब हमारे पीछे देख रहे होंगे ये जो है यहाँ तक पानी आ जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा शाम नहीं हुई है तो इसलिए अभी पानी यहाँ तक नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे पानी यहाँ तक आ जाएगा। अभी काफ़ी दूर तक पानी है तो लगभग मेरा अंदाज़ा है कि 6-7 बजे के आसपास पानी यहाँ तक आ जाता है और बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। तो अभी यहाँ तक हम थोड़ा टाइम तक वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। अभी फ़िलहाल में भी यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पीछे इतनी पब्लिक है, लॉकडाउन के आसपास जो है लोग आ रहे हैं घूम रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पब्लिक कम है थोड़ा सा। तो हम थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। माहिम दरगाह के पीछे जो है समंदर के अंदर भी एक मज़ार है, दरगाह है, जहाँ पे लोग ज़ियारत करने आते हैं, ठीक है? जो हमारे पीछे आप देख रहे झंडा लगा हुआ है, यहाँ पे लोग जो है चुन्नी चढ़ाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं अंदर, मतलब ये समंदर के अंदर है। देखो आप ये साइड से देखेंगे ना तो पूरा इधर पानी नज़र आएगा आपको, ठीक है? और ये साइड जो है वो दरगाह है और इस साइड भी पूरी जो है ना पानी नज़र आएगा आपको, ठीक है? अभी फ़िलहाल धूप है तो थोड़ा सा वीडियो में क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, और यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद, ठंडी ठंडी हवा, सुकून की जगह। चारों तरफ देखेंगे पानी भर रहा है, तो अभी फ़िलहाल हमको निकलना है, नहीं तो हमने पहन रखे हैं जूते और जाएंगे भी, समझे? तो इसलिए हम बाहर निकल रहे हैं। थोड़ा सा हम जा नहीं पाए और पानी भर गया पूरा तो पानी के अंदर से जा रहे हैं बाहर, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। काफ़ी बढ़िया लगा हमें यहाँ आके, मज़ा आई और ये पानी में चलना वाकई में बहुत ही शानदार है। यहाँ नहाने का भी मज़ा ही कुछ अलग आएगा, अगर कभी मौका मिला तो नहाने का भी। अरे माँ कसम, आराम से पैर फिसल रहा है भाई, थोड़ा सा संभाल के चलेंगे वरना मोबाइल गिरी तो अपनी गई 20-22 हज़ार रुपये, समझे? कैसे कैसे तो पार हुए। असल में पत्थर पे जो है वो बारीक बारीक कण रहते हैं जो पैर में गड़ जाते हैं,
और वो बहुत तकलीफ़ देते हैं, तो इसके लिए बहुत संभाल के चलना पड़ता है, समझे। तो दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल हम काफ़ी हद तक बाहर आ गए हैं और फाइनली बाहर आ गए भाई। चलिए, सोचा था थोड़ा जल्दी जाके आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए पानी के अंदर से आना पड़ा और जूते भी उतारने पड़ गए। तो फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं, लेकिन जहाँ अभी खड़े हैं यहाँ तक पानी आ जाता है, और यहाँ से अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल आ गया जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। और आगे दरगाह पे आपको थोड़ी टाइम वीडियो बनाएंगे और वहाँ का नज़ारा क्या है वो दिखाएंगे, और उसके बाद फिर जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा एक अर्जेंट काम आ गया है। दोस्तों, फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे यहाँ पे आपको रेड कलर की बटन दिख रही होगी, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हमारे साथ बने रहने के लिए, अगर वीडियो में कुछ तकलीफ़ है, कुछ गलती हुई है हमारे से, तो आप हमें बताएँ और उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, शुक्रिया।